हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर वन क्या है स्टूडेंट्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक सही और हमको इसको सॉल्व करके टिक करना है। तो चलिए करते हैं। यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, यानी कि फोर बार यक्स को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फोर यक्स। ठीक है, x टू द पावर 4 कब आता है स्टूडेंट्स, जब क्या होता कि मल्टीप्लाई होते नहीं, x इंटू x इंटू x इंटू x, यानी कि जब 4 टाइम्स x होता तो x का पावर 4 हो जाता है। ये मल्टीप्लाई का केस में x का पावर 4 होगा, लेकिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, यानी कि ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी। ये देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए 9z है प्लस 7, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 9z प्लस 7, अब मल्टीप्लाई करना है माइनस 5 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो माइनस 5 इंटू 2z कितना हो जाएगा, माइनस 10z, और ये माइनस है और ये माइनस है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा 15। अब ये देखिए यहाँ प्लस है तो 3 2 जा 6z, यानी प्लस 6z, और प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा। ठीक है, 3 3 जा 9। अब चलिए जेड जेड को हम अरेंज कर लेते हैं और नंबर नंबर को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 9z माइनस 10z और ये कितना है 6z, यानी प्लस 6z। अब नंबर को लिख लेते हैं इसी में। ठीक है, कितना है, प्लस 7 प्लस 15 प्लस 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और ये माइनस 10 करना है मेरे को, माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 5, यानी आंसर आएगा 5z। और नंबर नंबर को सॉल्व करेंगे, इसको इसको, यानी कि 7 प्लस 15 प्लस 9 सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 31, यानी प्लस 31, यानी कि ये मेरा फर्स्ट वाला आंसर सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। इफ 4x माइनस 3 इक्वल्स 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आप इसको सॉल्व कीजिए और यक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद यक्स का वैल्यू उसमें पुट कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 21, यानी क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 24। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 24/4, काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब चलिए इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, 3x माइनस 5, यानी 3 इंटू x का वैल्यू कितना आया है, 6, 6 माइनस 5, 3 6 जा 18, 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13, यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a solution of the equation? यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लें, 3x माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर नंबर को एक तरफ करते हैं। 3x, ये पूरा टर्म उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x इक्वल्स टू 7, यहाँ तो पहले ही से 7 है, और ये पूरा उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7, यानी क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 14, यानी 7 प्लस 7 कितना होगा, 14। x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 14/7, कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई है मेरा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसमें से कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कि हमें x का वैल्यू 5 मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो हम x का वैल्यू मेरे को 5 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 3, 4x ये पूरा टर्म उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल्स टू 3 तो यहाँ पे है ही, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यानी 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिख देते हैं x,
एक्स इक्वल्स टू 5, यानी कि ये मेरा थर्ड वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। ठीक है तो स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे ब्रेन टीज़र्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन टीज़र्स का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।